नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप IAS में। दोस्तों आज की ये जो वीडियो रहेगी वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की जो कुछ कॉमनली जो मिथ्स सोसाइटी में आ रहे हैं उन मिथ्स के ऊपर जो है ये बेस्ड होगी दोस्तों। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कुछ कॉमन जो मिथ्स हैं जिनके आधार पे जो है कई लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उन मिथ्स के बारे में जो है बात की गई है। तो मिथ नंबर वन जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इज अ प्लॉय टू ग्रैब ट्राइबल लैंड एकोमोडेटिंग हिंदू एंड बंगालीज। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत मिथ है। तो इस पर गवर्नमेंट ने जो फैक्ट प्रेजेंट किया है वो ये है कि हिंदू बंगालीज आर मोस्ट सेटल्ड इन द बराक वैली अवे फ्रॉम द ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक्स। फर्दर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल डू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द लॉज एंड रेगुलेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल लैंड्स। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द एरियाज वेयर प्रोविजन ऑफ इनर लाइन परमिट इन सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही प्रूवन फैक्ट है कि जो बराक वैली है वहीं के वहीं जो है ट्राइबल बेल्ट्स में और वहीं के जो ब्लॉक्स में जो है आपके जो हिंदू जो आएंगे माइग्रेंट्स की तरह जो वो उनको सिटीजनशिप मिलने वाली है तो वो बराक वैली में ही सिचुएटेड है। तो ये बराक वैली आपकी UPSC के प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लिए आप जो है ज्योग्राफी की जो हम सीरीज़ हम प्रीलिम्स के लिए बना रहे हैं वो आप देख लीजिएगा, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसमें हम ये बराक वैली आपको मार्क करा देंगे या फिर आप इसको साथ में मार्क भी करते रहिए साथ साथ में। तो उसके अलावा देखिए कोई भी लॉज जो कि सेंट्रल लेवल पे जो पहले से बने हुए हैं उनको कोई भी कंट्रडिक्ट नहीं करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो अभी जो अगला मिथ है वो ये है कि सिटीजनशिप जो है माइग्रेशन के लिए जो है फ्रेश हिंदू माइग्रेशन के लिए जो बांग्लादेश से आ रहे हैं उनके लिए जो है नई तरीके से जो है वो करेगा। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा मिथ है। इस पर जो गवर्नमेंट ने फैक्ट प्रेजेंट किया है वो ये किया है कि मोस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड फ्राम द बांग्लादेश। मोरोवर स्केल ऑफ एट्रोसिटीज़ ऑन देम इन द बांग्लादेश हैज़ बीन कमिंग डाउन इन द रिसेंट ईयर्स एंड हैव बीन चेंज्ड। तो रिलीजियस पर्सिक्यूशन के कारण जो है रिमोट माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो है कट ऑफ डेट के बाद जो कि 31 दिसंबर 2014 है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए जो है रिलीजियस माइनॉरिटी को जो है कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्ट है जिसे आप UPSC और अन्य प्रीलिम्स के हिसाब से भी देख सकते हैं और जो है कॉमन जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के हिसाब से भी। तो अगला मिथ जो है वो है कि बंगाली हिंदू जो है वो आसाम के लिए बर्डन बन जाएंगे, मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है पूरी कंट्री में एप्लीकेबल है और जो पर्सन जो है रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जो है देख मतलब जिसकी वजह से रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जो झेल रहे हैं वो आसाम में सेटल नहीं होंगे और उनको कंट्री के और पार्ट्स में भी सेटल किया जाएगा। तीसरा जो मिथ है दोस्तों वो ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो डोमिनेशन ऑफ बंगाली स्पीकिंग पीपल को जो है लीड करेगा। तो मगर ये है कि इसका फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि हिंदू बंगाली पॉपुलेशन जो है वो बराक वैली में है जो कि बंगाली डिक्लेयर किया जा चुका है सेकेंड स्टेट लैंग्वेज वहाँ की, और ब्रह्मपुत्र वैली में जो है हिंदू बंगाली जो है पहले से आइसोलेटेड पॉकेट्स में जो है सेटल हैं और उनकी जो लैंग्वेज है वो आसामी लैंग्वेज है। इसके अलावा देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो आसाम अकॉर्ड को डाइल्यूट करता है, ऐसा भी बहुत से लोगों का मानना है, मगर जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है आसाम अकॉर्ड की सेंटिटी को बिल्कुल भी वो नहीं करता है। जो कट ऑफ डेट है उसकी 24 मार्च 1971 जो स्टिपुलेटेड डिटेक्शन डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स है उससे रिलेटेड ये कोई भी जो है डाइल्यूशन इसमें नहीं करता है, और ये डिस्क्रिमिनेटरी है मुस्लिम के लिए। ये तो सबसे बड़ा जो है जिसको लेके पाकिस्तान भी इंटरनेशनल फोरम्स में जो है इंडिया को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है जहां वो विफल हो रहा है। तो बट इसके जो पीछे ट्राइड एंड टेस्टेड फैक्ट है वो ये है कि एनी फॉरनर ऑफ एनी रिलीजन फ्रॉम एनी कंट्री इंडिया की सिटीजनशिप को लिए जो है एलिजिबल है। कैसे, उसके तीन प्रोविज़न जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन और
ये जो प्रोविजंस हैं इनके आधार पे और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के जो प्रोविजंस हैं जो अभी वर्तमान में लागू हैं उनके आधार पे कोई भी व्यक्ति जो है सिटीजनशिप इंडिया में ले सकता है। मगर जो है कैब जो है इसके प्रोविज़न को किसी भी तरीके से वो चेंज नहीं करता है, और खाली जो माइग्रेंट्स जो हैं सिक्स रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के इन तीन कंट्रीज से उनको इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए जो है ये एलिजिबल बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये जो कॉमनली जो मिथ्स थे यूपीएससी के मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो ऐसी ही मतलब जो आपके मिथ्स हैं उनको अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियो जो आपको लगता हो कि आपको डाउट्स ज़्यादा हैं तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उससे रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए जल्द लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।